डाइजेस्ट 14 मई 2019। जी हाँ, अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए बहुत सारी नौकरी हैं, आवेदन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज टॉक। चलिए शुरू करते हैं ये खबर। जी, आपको सुनकर इस खबर को आपके दिल में मन में खुशी दौड़ जाएगी। और आपको बता दें कि आप अगर 10वीं पास हैं और आपने IIT डिप्लोमा पास किया है तो आप अपनी सरकारी नौकरी की तमन्ना को पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस मौके को ना गंवाएं। चलिए बताते हैं किन पदों पर आमंत्रण खाली हैं। TGTW गुरुकुलम में सब्जेक्ट एसोसिएट के 100 पदों पर भर्तियां निकली हैं। वहीं PSCWB में 10वीं डिप्लोमा पास के लिए पशुधन विकास सहायक औद्योगिक विकास अधिकारी की 318 पदों पर भर्तियाँ निकली हैं। शास्त्र सीमा बल ने निकाली है कांस्टेबल की 290 पदों पर रिक्तियां। RFCL तेलंगाना में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फार्मासिस्ट के अन्य 79 यानी 79 पदों पर रिक्तियां निकली हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में ग्रुप बी और सी के 67 पदों पर जॉब निकली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने निकाली है चार्जमैन के 1704 रिक्त पदों पर भर्तियाँ। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के 128 पद रिक्त हैं, आप अपना आवेदन डाल सकते हैं। वहीं MSU तिरुनेवेली पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 89 पदों पर भर्तियां निकली हैं। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड बी के 87 पदों पर भर्तियां निकली हैं। भारतीय सेना ने निकाली है SSP ऑफिसर के 65 पदों पर भर्ती। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की 225 नौकरियाँ निकाली हैं। आपको बता दें कि आप मुंबई के कस्टमर एजेंट डिप्टी मैनेजर के 109 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में प्रोफेसर के 145 पदों पर नौकरियां निकली हैं। और JNU में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 97 पदों पर नौकरियां निकली हैं, आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना शिमला ने कुक बार्बर सफाई वाला के पदों पर भी नौकरियां निकाली हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डाइजेस्ट में आज आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।